इंटरवल्स मशीन में? नो नो नेवर, क्योंकि वो सारे दूसरे कपड़ों को भी खराब करता है, इसलिए किचन टॉवल को हमेशा सेपरेट ही वॉश करना चाहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्वेता और आपका स्वागत है श्वेताज लाइफ व्लॉग में। तो यहाँ पर मैंने बड़े पतीले में पानी ले लिया है और उसको हम गर्म करेंगे, फिर उसको अच्छे से गर्म करके उसमें सर्फ़ डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितना सर्फ डाला है, आप कोई सा भी सर्फ ले सकते हैं, एरियल, सर्फ एक्सल, मैंने टाइट लिया है, और इसको अच्छे से मिलाएंगे हम। और इसमें सिर्फ फिर एक एक करके सारे कपड़े जो अपने किचन टॉवल्स हैं वो रख देंगे, और इस तरह से धोएंगे ना तो सारे किचन टॉवल्स एकदम क्लीन हो जाएंगे, उनमें ना चिकनाई रहेगी और ना ही स्मेल रहेगी। और इस तरह से हम एक एक लेकर के सब कपड़े इसमें डाल देंगे। और इन कपड़ों को हम 1 या 2 घंटा तक इसी में रखेंगे ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाएं, और ढक देंगे। इसमें मैं अब नींबू भी डालूंगी, इससे क्या होता है ना कि स्मेल अच्छी आती है, तो नींबू आप चाहें तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी एकदम कैसे एकदम क्लीन क्लीन सा दिख रहा है, वाइट, बिल्कुल स्टिकी नहीं। इसको मैंने अभी वो जो कपड़ों का सॉफ्टनर आता है ना वो डाल करके इसको सोक कर दिया, बिकॉज इसमें स्मेल अच्छी आएगी, खुशबू आएगी। नहीं तो क्या है कि धोने के बाद में भी हम कहते हैं ना इसमें स्मेल आती रहती है, स्मेल आती रहती है, तो अभी इसमें स्मेल नहीं आएगी, तो और ये अच्छे हो जाते हैं एकदम सॉफ्ट और नाइस स्मेली। तो ये हमारे किचन टॉवल हो गए हैं क्लीन, अब इन्हें सुखा देते हैं। ये हम सुखा दिए हैं मैंने, तो ये अपने किचन टॉवल सूख करके तैयार हैं और बिल्कुल ही क्लीन है, देख सकते हैं आप। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज श्वेताज लाइफ व्लॉग। थैंक यू सो मच, बाय।